पलवल जिले के उटावड़ गांव में खड़े बीच रास्ते से वाहन हटाने को कहा तो गरीब परिवार पर तपंगों ने किया जानलेवा हमला। उटावड़ गांव के ईसब ने गांव के ही उमर उर्फ लीलू व इरशाद सोयब सैकड़ों तपंग लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईसब अपनी पिकअप बेलेरो गाड़ी में किसी काम से उटावड़ मोड़ की तरफ जा रहे थे तो गांव में ही बीच रास्ते में खड़े इरशाद से फोर व्हीलर को हटाने को कहा तो उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने गाली देने का विरोध किया तो दबंग लोगों ने ईसब के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद दबंगों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर ईसब के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल 6 लोगों को हथीन के अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद दबंगों ने ईसब के घर पर चढ़ाई कर लाठी डंडा इत्यादि से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर देसी कट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है जो एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ईसब ने बताया कि घर में रखे जेवरात नकदी सब ले गए। पीड़ित लोगों ने आज पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक उटावड़ पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उन्होंने पलवल पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जल्द से जल्द इसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी आपका ईसब है जी। ईसब जी, झगड़ा हुआ है आप लोगों का, किन के साथ हुआ है, क्या था पूरा मामला? हम रास्ते में अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं जी, रिजवान भतीजा मेरा जी। और पड़ोसी ने गाड़ी खड़ी कर दी रास्ते में जी, जी हमने हटाने के कही तो हमारे लिए मार पिटाई करी हमारे, और रोड मची तो उनके परिवार के सारे लोग आ गए, उन्हें हम मारे, उन्होंने हमारे बच्चे मारे घर में और मार मार के भगा दिए और हमारी गाड़ी 3-4 लाख का नुकसान कर दिया और बच्चे मोटरसाइकिल तोड़ दी और भगा दिए हम घर से। ना हम पानी के लिए जा रहे हैं, रास्ता बंद कर रखा है, ना हमने वैसे हम घर पे आवे तो गिड़ लाठी गिड़ ले भगते हैं हम। ये है जी, हम ये चाहते हैं जी हमारा रास्ता खुलना चाहिए और प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है, कहती है हमने कर FIR दर्ज कर दी। अभी तक कोई पुलिस नहीं गई है, आज 4 रोज हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं गई देखने के लिए नहीं गई है अभी तक। हमने जब लड़ाई हुई, जब भी हमने एक घंटा लड़ाई बाजी, कोई हम 4 आदमी उनका पूरा कम से कम 150 आदमी किसी ने ना बचाए हम गांव वालों ने, तो ना पुलिस पहुंची, पुलिस के पास एक 20 बार फ़ोन कर लिए, कोई पुलिस हमारे पास नहीं पहुंची। हम 6 लोग 7 लोग घायल हुए हैं, हमारी लड़की की जेवरात ले गए, हम उस अस्पताल में आ गए, पीछे से सारी लूट फूट, हमारे बर्तन तोड़ दिए, गाड़ी तो 3 गाड़ी है तो मोटर सारी तोड़ दिए, ये हम बिल्कुल घर से बेघर कर दिए, पर डोल रहे हैं हम घर में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मेरा नाम सलीम है जी। सलीम के जी 5-6 आदमी इनके चोट आई है जी, और मैं इनको ले गया था हथीन सिविल अस्पताल में, मैंने इनका वो कराया था जी, एक्सरा भी कराया है और इसके ट्रीटमेंट सारे MLR सब कुछ मैंने कटवाई हैं, दिल्ली रेफर कर दिया था उनको, मैं दिल्ली ले गया था। बाकी जो झगड़ा हुआ था वो इतना काफ़ी झगड़ा था क्योंकि 100-150 आदमियों ने 3-4-5-6 आदमियों पर चढ़ाई कर दी थी और घर पे पूरी मार धाड़ करी, ये घर छोड़कर भाग गए, उन्हें लूटपाट कर ली, गाड़ी है इनकी 3-4 गाड़ी तोड़ दी, एक पिकअप थी, 2 कार थी और 2 मोटरसाइकिल थी, वो तोड़ फोड़ कर सब कुछ, घर का माल पानी जो है जैसा भी होता है आदमी का, थोड़े बहुत डेली पैसा है वो सब कुछ लूट के नहीं, इनके जो है वो घर में बड़े रहे हैं कम से कम 2-3 घंटा। पिटाई करने वाले कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? पिटाई करने वाले सारे गांव के ही आदमी हैं, इनके थोड़े पड़ोसी हैं, वो सामने ही उनका घर है और वो सारे मोहल्ले वाले जो इनका एक घर है वहाँ पे, वो सारे मोहल्ले वाले इन पे चढ़ गए हैं 100-150 आदमी। तो पुलिस को इस मामले में कोई पुलिस के लिए इतला करी थी, उस टाइम तो पुलिस लेट आई थी, लेकिन अब फिलहाल पुलिस के पास इतला पहुँची हुई है तो उसमें देखते हैं जी, हम चाहते हैं अगर उसमें जो है हमारी पूरी कार्रवाई हो। क्या कोई इसमें मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? मुकदमा अभी तक कोई दर्ज नहीं हुआ जी, लेकिन
हमारी जो है ये है कि इसमें जी बहुत हमने भाग दौड़ भी करी है और पुलिस के लिए भी बताई है, सारे अब भी थाने होकर आए हैं, तो इसमें हमें इंसाफ चाहिए। अगर जल्दी ही मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? तो जी हम आगे तक जाएंगे, जहाँ तक भी हमें चाहे चंडीगढ़ तक जाना पड़े, हम सरकार से अपनी मांग पूरी करेंगे जी, सरकार को बताएंगे, सरकार का आगे रोएंगे।